Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's session we are going to start with 12th class economics. Right, मैंने इसका advertisement आपको पहले दिया था through my Facebook and through my Instagram sites also, and even I have sent the same message to my group also. So those who have already aware of that, from today we are going to start with Indian economics. So, आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी पूरी बुक है क्या, इसमें क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे, इन सब बातों को ध्यान में रख के मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ लाइनें लिखी हैं जिसको मैं आपके लिए सुनाना चाहती हूँ, जिससे इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट होगा और हम उसको और बेटर अच्छे से समझ पाएंगे. तो हेयर आर फ्यू लाइन्स विच आर रिटन बाय मी. ये सिर्फ मैंने लिखी हैं, अचानक बैठे बैठे दिमाग में आ गया तो मैंने चलो सोचा इसको रिदमिक बनाते हैं. इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत थोड़ा लिरिकल करते हैं. सो हेयर इट इज. इंडियन इकोनॉमी का ये सफर हमको साथ निभाना है, बनेगी ये राह आसान, बस इसको समझते जाना है. जिस तरह होता है सबका भूत वर्तमान और भविष्य, इसी तरह इंडियन इकोनॉमी का भी है एक अस्तित्व. ब्रिटिशर्स ने अर्थव्यवस्था की जो हालत खराब, सोने की चिड़िया को ले गए उड़ा के अपने साथ. आजादी जब पाई हमने, बिगड़ी थी अर्थव्यवस्था, बिखरा था तिनका तिनका, ना थी कोई व्यवस्था. लंगड़ी अर्थव्यवस्था को आगे यूं बढ़ाना था, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्लानिंग को अपनाया था. इसके बाद हम लेकर आए नई आर्थिक नीति, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बदली. अंडर डेवलप कंट्री से हम कहलाए डेवलपिंग, लेकिन कई चुनौतियों से फेल हुई कई प्लानिंग. पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट, ऐसी ही कई चुनौतियों को हमको है समझना, साथ साथ अपने देश के पड़ोसियों को है परखना. इसके लिए हम पहुंचेंगे अपने आखिरी चैप्टर, इंडिया और चाइना और पाकिस्तान जो है हमारे नेबर. कौन कितना आगे है और कौन कितना पीछे, इसको हम समझेंगे इस चैप्टर के नीचे. तो ये है इंडियन इकोनॉमी का सफर, जो है 10 चैप्टर से होता है कवर. So here we'll begin with Indian economics. मेरी इस पोयम के थ्रू, मेरी इस रिदमिक लाइन के थ्रू आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम इंडियन इकोनॉमी में 10 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं फॉर बोर्ड. पर क्या पता इस साल की जो हालत है ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक, मे बी CBSE आपका सिलेबस रिड्यूस कर दे. यही कारण है कि मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की 2 यूनिट करा के अभी रोक दी, ताकि हम आगे इंडियन इकोनॉमी भी शुरू कर दे. क्योंकि मुझे जहां तक लगता है 90% तो यही खबर अभी तक आ रही है. अभी ये कोई पक्की खबर भी नहीं कह सकती मैं, क्योंकि अभी तक CBSE की तरफ से डिक्लेयर नहीं हुआ है कि CBSE कहीं ना कहीं सोच रही है कि थोड़ा सा सिलेबस वो रिड्यूस करेंगे. तो जहां तक मुझे लगता है अगर वो रिड्यूस करते हैं तो पीछे की साइड से ही रिडक्शन आएगा, आगे तो क्या रिड्यूस करेंगे. और अगर करते हैं तो हम तब की तब देखेंगे. इसलिए मैंने अभी इंडियन इकोनॉमी शुरू करा दी. मैक्रो की 2 यूनिट हो गई, अब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, सो दैट वी कैन कवर अप बोथ दी बुक्स टुगेदर. राइट. तो इंडियन इकोनॉमी जो मैंने आपको पोयम में समझाई कि किस तरह ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए और वो किस मोटिव से आए, आपने आज तक जो ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा है वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है. लेकिन अब हम ब्रिटिशर्स की एंट्री इनटू द इंडिया, ब्रिटिशर्स और इंडियन का रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे. और इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि जैसा मैंने पोयम में लिखा, ब्रिटिशर्स के आने के बाद जिस तरह से हमारी कंट्री बर्बाद हुई, रिसोर्सेस चले गए, हम कहते ना सोने की चिड़िया उड़ गई, तो वो सोने की चिड़िया थी क्या आखिर? कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं था, ना कोई इस तरह की कोई चिड़िया थी. इट वॉज लाइक हम रिसोर्सेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा रिच थे, लेकिन हमें खुद को ही नहीं पता था कि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिसका पूरा फायदा किसने उठाया, ब्रिटिशर्स ने. तो वो हमारी इकोनॉमी का सारा एडवांटेज लेकर अपने कंट्री चले गए. राइट. उसके बाद जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल हैंडीकैप थी, यही नहीं पता था कि जाना कहाँ है और किस रास्ते हमें मूव करना है, क्या पॉलिसीज बनाए, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं था. बट हम इस फ्रेम में अगर हम ब्रिटिशर्स को थोड़ा थैंक यू कह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज से, अपनी सारी स्ट्रेटेजीज से हमें थोड़ा बहुत तो सिखाई गए थे कि किस डायरेक्शन में पॉलिसीज बनानी चाहिए. तभी हमारी मेरी इस पोयम में प्लानिंग का एक जिक्र हुआ, क्योंकि आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद हमने प्लानिंग सिस्टम शुरू किया. वो प्लानिंग सिस्टम 1990 तक चली. 1990 तक चलने के बाद
कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आए, बीओपी फेलियर हुए, फिर हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जिसको मैंने अपनी पोयम में लिखा नई आर्थिक नीति 1991। उसके बाद जो हमारी कंट्री का एक फॉर्मेट बदला, इंडिया जो फास्टर ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री बनी, वर्ल्ड में जो अपना स्टेटस हमने बनाया, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक प्लानिंग, राइट। तो इसके साथ, इस प्लानिंग के साथ, लाइक मेरी पोयम में भी मैंने लिखा कि कई चुनौतियां जिसके कारण प्लानिंग फेल हुई, तो वो चुनौतियां हैं क्या, चैलेंजेस हैं क्या, वो सारे चैलेंजेस हैं हमारी इकोनॉमी के करंट चैलेंजेस। कैसे चैलेंजेस? करंट चैलेंजेस जिस पे बेस्ड है हमारी 7th यूनिट। अभी मैं यूनिट भी समझाती हूँ। तो वो करंट चैलेंजेस क्या थे जो मैंने अपनी लाइंस में भी बोले, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंट। तो ये जो 6 चैप्टर हैं इनसे बनती है हमारी 7th यूनिट, और इन 6 चैप्टर्स के थ्रू हम जानेंगे कि हमारी कंट्री के करंट प्रॉब्लम्स कैसी हैं और इसके साथ हमें पॉप अप करते हुए कितना आगे बढ़ना है और कैसे हमें अपने आप को और ग्रोइंग बनाना है, राइट। फिर जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसका कंपैरिजन हमारे पड़ोसी देशों के साथ है, और वो कौन है, चाइना और पाकिस्तान। यस, ये दोनों ही कंट्री हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। जितना पड़ोसियों के बिना हम रह नहीं सकते, उतना ही इनसे दुश्मनी भी बड़ी भारी पड़ सकती है। इसलिए हमें ना इनसे दुश्मनी करनी है, ना इनसे हमें दोस्ती करनी है, लेकिन इन दोनों से हमारा कंपैरिजन होना जरूरी है, क्योंकि हम क्या है, बीच में। पाकिस्तान वी ऑल नो अंडर डेवलप, इंडिया इज डेवलपिंग एंड चाइना वेल डेवलप। तो हमारा जो कंपैरिजन है चाइना और पाकिस्तान के साथ है, और कहां हम कितना स्टैंड करते हैं वो हम इस आखिरी चैप्टर के थ्रू समझेंगे। तो इस तरह इंडियन इकोनॉमी को हमें पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी जो ऑल 3 यूनिट में कवर्ड हो रही है अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस, फर्स्ट यूनिट में यानी यूनिट नंबर 6। आप पूछोगे बाकी यूनिट का, 5 यूनिट आपकी कहाँ कवर हो गई, मैक्रो में, और मैक्रो क्या है, पार्ट ए, और इंडियन इकोनॉमी क्या है, पार्ट बी, राइट। तो इसमें आते हैं हमारे 3 चैप्टर, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90। तो अब देखो 47 यानी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आर फर्स्ट चैप्टर जिसको हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, और फिर है हमारा 1950 से 1990 तक का प्लानिंग पीरियड। उसके बाद है इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमारी कंट्री में आया 1991 में, जिसने हमारी कंट्री को अंडर डेवलप से डेवलपिंग बना दिया। नेक्स्ट है 7th यूनिट जिसमें आएंगे करंट चैलेंजेस, जिसमें मैंने बताया गया पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट एंड मेनी गुड, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर है 8th यूनिट इंडियन डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर कंट्री, जिसमें हम चाइना और पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे। अब जो फॉर्मेट है बोर्ड के सिलेबस में और पेपर पैटर्न में बहुत इंटरेस्टिंग है। टेबल, चार्ट्स, हमें ये सब भी पढ़ने हैं, और ये सब की प्रैक्टिस में हर चैप्टर में जैसे जैसे आते जाएंगे आपको कराती जाऊंगी। रीजन, क्योंकि इन पिक्चर्स, इन इमेजेस और इन टेबल्स को एनालाइज करने बोर्ड दे रहा है, और इस साल भी बोर्ड ने ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें बच्चों की लॉटरी लग गई, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, जो टेबल में डेटा लिखा है एज इट इज उसको अपने वर्ड्स में अपने तरीके से मोल्ड करके और इम्प्रेसिव लिखना होता है, उसको समझना होता है कि वो टेबल आपको क्या कह रही, और फिर उसके पीछे के रीजंस भी थोड़े बहुत बताने होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इंडियन इकोनॉमी में कवर करने वाले हैं। सो हियर विल बिगिन विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, 1947। अब जब इंडिपेंडेंस की बात आती है तो बड़ी पेट्रियोटिक सी फीलिंग आती है कि हमारी कंट्री ने ये आजादी इतने आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे बहुत सारे, आपको पता ही है, आप सबने बहुत सारी मूवीज देखी है। अगर हमने अभी तक इतनी बार समझा है ब्रिटिशर्स को इंडिया में, या ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया, या ब्रिटिशर्स और इंडिया का रिलेशन, तो हमेशा हमने कौन कौन सी मूवीज को ध्यान में रख के इसको समझा है, क्योंकि आपके टाइम में ये सब चीजें नहीं हुई है, आपने अपने फोर फादर से ये सब सुना होगा। लेकिन जब भी हमारे दिमाग में आता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के ऊपर 200 साल तक राज किया, तो 200 साल अगर कोई हमारी कंट्री को कंट्रोल कर रहा है, तो सोचिए हमारी कंट्री को कितनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करके ले गया। तो इस 200 साल की कहानी हमने कई तरह से, कई पिक्चरों के थ्रू, फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू, कई लोगों के थ्रू आसपास अपने सुनी है, जानी है और समझी है। लाइक आप सबने लगान देखी होगी, आप सभी ने लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी होगी, गांधी देखी होगी, और कई सारी पिक्चरें हैं जो आपने देखी होंगी।
और हाल ही में आई कंगना रनौत की पिक्चर रानी लक्ष्मीबाई, इन सब पिक्चरों को जब आपने देखा होगा आपने फुली ये महसूस किया होगा कि किस तरह से ये जो आजादी हमें मिली है वो कितनी मुश्किलों से कितनी कुर्बानियों के बाद हमारी कंट्री को मिली। तो जब आपने इन सब पिक्चरों को देखा तो आपके अंदर एक पेट्रियोटिज्म फीलिंग आई। तो हमने यहाँ क्या देखा, जनरली हमने जो ऑब्जर्व किया वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की स्ट्रगल राजा महाराजाओं के टाइम से लेकर के जो करंट सिनेरियो आया भगत सिंह तक, तब तक के लोगों ने किस तरह से इस आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। यू ऑल रिमेम्बर 1857 मंगल पांडे का टाइम, मंगल पांडे की पिक्चर आपने देखी होगी, तो वो एक टाइम पीरियड भी था जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हम जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस फर्स्ट रिवोल्यूशन जो है हमारा, वो उसी टाइम पे शुरू हुआ था। तो वो सारी चीजें हमने पिक्चर्स के थ्रू देखी हुई है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या किया, हमें गुलाम बना के रखा, हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, बट वो सारे एस्पेक्ट एक फ्रीडम एस्पेक्ट के बिहाफ पे थे। और हम जो अपनी इंडियन इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, हम ब्रिटिशर्स को यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इंडिया जो थी बहुत रिच कंट्री थी, इंडिया वॉज प्रॉस्पेरस कंट्री, इंडिया वॉज अबंडेंट इन ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे पास ऐसा कोई कुछ नहीं था जो वर्ल्ड में ना हो, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल था। और यही कारण था कि मुगल एम्परर्स पहले हमारी कंट्री में आए, उन्होंने राज किया हमारी कंट्री में। और जब मुगल एम्परर्स का लास्ट एम्परर कौन है, मुगल एम्परर का लास्ट एम्परर, द लास्ट एम्परर वॉज बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जिसका जन्म 1757 में हुआ, और जब ब्रिटिशर्स ने मुगल्स को हराया इन दी प्लासी बैटल, इट वॉज दी विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर मुगल्स। तो ब्रिटिशर्स ने 1757 में मुगल्स को हरा करके प्लासी बैटल जीत करके अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी, जो पॉपुलरली हम सब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इज दी फर्स्ट कंपनी ब्रिटिशर्स हैज स्टैब्लिश्ड इन आर कंट्री। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कंपनी आई, इसको हम जनरली जानते हैं कंपनी रूल के नाम से। तो ये अपने रूल्स लेकर के आए और धीरे धीरे मुगल्स का जो पीरियड था वो खत्म होने लग गया, राइट? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मुगल्स को खत्म करना शुरू कर दिया विद इनफैक्ट विद बहादुर शाह जफर ऑल्सो, उनको एक्साइल में भेज दिया दूसरे म्यांमार, जो उन्होंने एक और ब्रिटिशर्स ने म्यांमार को वर्मा, इन सारे कंट्रीज को भी अपने कंट्रोल में कर रखा था, तो वहां एक्साइल में भेज दिया। तो इस तरह से मुगल एम्परर पीरियड खत्म हो गया और ब्रिटिशर्स का पीरियड शुरू हो गया। कब से शुरू हुआ, 1757 विद द बर्थ ऑफ लास्ट मुगल एम्परर, दैट इज बहादुर शाह जफर, और विद द विक्ट्री ओवर प्लासी बैटल, इसके साथ ही ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आ गए। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कैपिटल बनाया उन्होंने किसको बनाया, कोलकाता को, कलकत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कैपिटल बनाया, कंपनी रूल स्टैब्लिश हुआ, जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं ब्रिटिश क्राउन के नाम से भी, तो क्राउन रूल भी हम इसको कहते हैं। और इसका जो मेन टारगेट था वो था नवाब ऑफ बंगाल, तो बंगाल के जो नवाब थे, जो मुगल्स थे, उनको पहले कंट्रोल किया, तो मुगल्स का पीरियड खत्म किया इन्होंने, फिर इन्होंने इंडिया पे राज करना शुरू किया। और धीरे धीरे हमारे सारे प्रिंसली स्टेट, बंगाल प्रिंसली स्टेट, मसूर प्रिंसली स्टेट, अवध प्रिंसली स्टेट, सबको खत्म किया। और जो हमारी लास्ट इन्होंने विक्ट्री ली, जिसके बाद ये हमारी कंट्री में पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया हमारी कंट्री को, दैट इज कंट्रोल में आ गई, वो मराठा और पेशवास के साथ थी। तो मराठा और पेशवास को हराने के बाद ब्रिटिशर्स पूरी तरह पावर में आ गए, क्योंकि हम भी जानते हैं, हमने कितनी मूवीज देखी है मराठा और पेशवास की, जिनकी स्ट्रगल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट दिखाई है। तो मराठा पेशवास भी खूब लड़े हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इनको हराने के बाद ब्रिटिशर्स ने फुल कंट्रोल ले लिया हमारी कंट्री में। और फिर 1858 के बाद से तो पूरे 100 साल हम जानते हैं किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय किया, किस तरह से हमारी इकोनॉमी को यूज किया, राइट? सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इट हैज कम इनटू द इंडिया विद द विक्ट्री ओवर प्लासी बैटल। बेसिकली ब्रिटिशर्स को पता था कि जो एशियन ईस्टर्न कंट्री हैं वो बहुत रिच हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज एक तो कोस्टल रीजन पे हैं और उसके साथ साथ हर तरह के क्लाइमेट फेवरेबल सपोर्ट है यहाँ पे, इसलिए यहाँ की जो नॉर्दर्न ईस्टर्न कंट्रीज हैं इन एशिया वो ब्रिटिशर्स का पहला टारगेट था।
और उसमें भी इंडिया वॉज द फर्स्ट टारगेट. व्हाई? बिकॉज इंडियन फैमिलीज, कमर्शियल फैमिलीज वर वेरी रिच. हमारी बैंकिंग स्ट्रैटेजी उस टाइम की, मैंने आपको समझाया भी था जब मैंने अपनी बैंकिंग वाली वीडियोस पढ़ाई थी कि बैंकिंग इंडिया में कब से शुरू हुई है, कुछ उस टाइम पे भी स्टार्ट हुई थी. राइट? तो जो बैंकिंग स्ट्रक्चर था, लोगों की फाइनेंशियल कैपेसिटी थी वो बहुत अच्छी थी. बट प्रॉब्लम ये थी, ड्यू टू इलिटरेसी दे वर नॉट अवेयर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास इतने अच्छे रिसोर्सेज होते हुए भी हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए. और ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली कि इंडिया में रिसोर्सेज तो हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न कंट्रीज एशिया की फुल ऑफ रिसोर्सेज हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज देयर रिसोर्सेज. इवन मुगल्स जो हमारे यहाँ इतने साल राज करके चले गए, उनको भी आइडिया नहीं था. वो आए किस रीजन से? ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग रीजन से, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक सुटेबल डेस्टिनेशन थी. उस टाइम भी हम रिच थे, हम प्रॉस्पेरस थे, हमारे पास सब कुछ था, फुल ऑफ रिसोर्सेज थे, हमारी कंट्री के लोग एफिशिएंट भी थे. ये सब ब्रिटिशर्स को पता था, इसलिए वो अपनी ट्रेडिंग रीजन से यहाँ पर आए. पर जैसे ही देखा कि यहाँ के लोग इतने अवेयर नहीं है रिसोर्सेज को लेकर के, अपने एडवांसमेंट को लेकर के, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कंट्री पे ही अपना राज्य बना ले. राइट? तो यहाँ से शुरू होती है ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन की स्टोरी इन इंडिया, हाउ दे एक्सप्लॉयटेड आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी. क्योंकि हमारी कंट्री ग्लोबली बहुत ज्यादा फेमस थी फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट बिजनेस, फॉर इट्स हैंडमेड गुड्स एंड फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. और इसी कारण अपने ब्रिटिशर्स अपनी इंडस्ट्री को ऑल ओवर द वर्ल्ड लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अटैक नॉर्दर्न ईस्टर्न एशियन कंट्री में किया, और उसमें भी सबसे बड़ा अटैक इंडिया पे किया. राइट? तो ये है हमारी कंट्री में किस तरह से ब्रिटिशर्स आए और उन्हें किस तरह नॉर्दर्न ईस्टर्न एशियन कंट्री में हमारी कंट्री को सिलेक्ट किया ट्रेडिंग रीजन से, बट दे एक्सप्लॉयटेड आवर कंट्री एंड डेवलप देयर होम कंट्री. हमारी कंट्री के रिसोर्स अपने यहाँ ले गए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो किया, बट कैसे किया? एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल का कर लिया, क्योंकि हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने की. हमारे रॉ मटेरियल को यहाँ से ले गए ब्रिटेन, ब्रिटेन में फाइनल गुड बनाया और वापस हमारी कंट्री में ही चीपर रेट पर बेच दिया. और उससे क्या हुआ, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे, होममेड गुड्स थे, वो चीपर मशीन मेड गुड्स से स्ट्रगल नहीं कर पाए, डैमेज हो गए और हमारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई और ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री चल पड़ी. यही कारण था कि ब्रिटिशर्स पूरे एशियन कंट्रीज में अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहते थे. अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपनी होम कंट्री को ग्रो करने के लिए उनका टारगेट बना ईस्टर्न नॉर्दर्न कंट्रीज, जिसमें पहला टारगेट इंडिया बना. यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करी, पर अपनी खुद की होम कंट्री की इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए. तो इस तरह से 1757 में वो आए आफ्टर प्लासी बैटल, 200 साल हमारी कंट्री पे राज किया. 200 साल में इमेजिन करी कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना रिसोर्स हमारी कंट्री का लूट कर ले गए. और इन 200 सालों में उन्होंने हमारी प्रॉस्पेरस कंट्री को, हमारी रिच कंट्री को कन्वर्ट कर दिया स्टैग्नेंट र्यून्ड बैकवर्ड इकोनॉमी में. किसमें? स्टैग्नेंट र्यून्ड एंड बैकवर्ड इकोनॉमी. इसलिए इस पर एक कमेंट भी किया गया है, प्रोफेसर आरसी दत्त ने एक बहुत अच्छा कोट लिखा है जो हमारी कंट्री की हकीकत को हाईलाइट करता है उस टाइम की. क्या था? ब्रिटिशर्स किस रीजन से हमारी कंट्री में है? इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री. उन्हें पता था इंडिया पुअर कंट्री नहीं है, बट इट इज अ कंट्री ऑफ पुअर पीपल. इसका मतलब क्या हुआ कि हम रिसोर्सेज में रिच हैं, हमें सब पता है हमारे पास क्या क्या है, बट क्योंकि हमारे लोग पुअर हैं, इन रिसोर्सेज का यूज करना नहीं जानते, इसलिए हम प्रॉस्पेरस नहीं रह पाए. इसलिए ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को लूट कर ले गए. तो इट इज राइटली सेड दैट इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री, बट इट इज अ कंट्री ऑफ पुअर पीपल. और ये बात कहीं ना कहीं कभी न आपने सुना भी होगा, हम महसूस भी कर रहे हैं कि ये बात कहीं ना कहीं आज भी अप्लाई होती है. हम गरीब देश नहीं है, बट हमारे लोग गरीब हैं, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पा रहे. राइट? सो हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इडियट. वैसे हम इडियट बोलते हैं, लेकिन यहाँ मैंने एक शॉर्ट ट्रिक तैयार करी है इसके लिए, इडियट. इडियट मीन्स, इस पूरे चैप्टर में हम कुछ 6 टॉपिक्स कवर करेंगे जिनको हम पढ़ेंगे विद द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया. कि ब्रिटिशर्स ने स्टेप बाय स्टेप
धीरे धीरे हमारी कंट्री के हर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया. वी नो दैट इन ऑल कंट्री, इन इंडियन कंट्री वी हैव 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. इन तीनों सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे घुसे और रूट से इसको खत्म करना शुरू किया. तो हर एरिया को धीरे धीरे उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया. तो इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे ए. ए मीन्स एग्रीकल्चर. हाउ ब्रिटिशर्स रूल्ड आर एग्रीकल्चर, हाउ दे एक्सप्लॉयटेड आर फार्मर्स. दे यूज सम सिस्टम विच वॉज वेरी वेरी क्रूशियल, विच वॉज वेरी वेरी वॉट वी कैन से बहुत ज्यादा पथेटिक वी कैन से, कि हमारी कंट्री के फार्मर्स को एक्सप्लॉयट करने का एक बहुत गलत तरीका ब्रिटिशर्स ने यूज किया. उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगी कैसे क्या था, किस तरह के सिस्टम ब्रिटिशर्स ने शुरू किए हमारी कंट्री में, जब हमारी कंट्री प्रिंसली स्टेट में थी. अवध, मैसूर, बंगाल एम्परर पीरियड, ये सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, स्पेशली मैसूर और बंगाल प्रिंसली स्टेट को किस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉयट किया, और अवध जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था दैट टाइम, उन सारे एरियाज को किस तरह से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयट किया इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इसमें फिर हम पढ़ेंगे आई. आई स्टैंड फॉर हेयर इंडस्ट्रीज. हाउ दे यूज्ड आर इंडस्ट्री फॉर देयर ओन कंसर्न एंड हाउ दे यूज्ड आर रॉ मटेरियल फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्रीज सेट अप इन ब्रिटिश रूल, सॉरी ब्रिटिश कंट्री, राइट. देन विल स्टडी ट्रेड. हेयर टी फॉर ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, किस तरह से फॉरेन ट्रेड हमारा होता था. ग्लोबल इकोनॉमी में हम थे बट ब्रिटिशर्स ने सारा फॉरेन ट्रेड अपने डायरेक्शन में मोड़ दिया, यानी अपनी इकोनॉमी की बेनिफिट्स के लिए मोड़ दिया. फिर हम पढ़ेंगे डी. डी मीन्स डेमोग्राफी, पॉपुलेशन. किस तरह की स्ट्रैटेजी थी, किस तरह की प्लानिंग थी हमारी कंट्री में, क्या प्लानिंग थी रिगार्डिंग पॉपुलेशन, ये सारी चीजें हम समझेंगे. और पॉपुलेशन कैसी थी, स्ट्रांग थी, वीक थी, क्या रेशोज थे, वो सब हम इसमें समझेंगे. देन ऑक्यूपेशन. ओ फॉर ऑक्यूपेशन मीन्स वॉट इज द रेशियो ऑफ वर्किंग पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ आर इकोनॉमी. एग्रीकल्चर में कितना, इंडस्ट्री में कितना, सर्विस में कितना, एंड यू ऑल वर अवेयर ऑफ, आपने लगान पिक्चर देखी है ना, क्या स्थिति थी हमारी कंट्री में. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर ज्यादा थी, वर्कफोर्स ज्यादा थी, और इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे पहले टारगेट बना था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि ज्यादा लोग उसी सेक्टर में काम करते थे, इसलिए उन लोगों ने उसी एरिया को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना शुरू किया. फिर जो हमारा लास्ट आएगा, एक और आई, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. फॉर दिस रीजन वी कैन से थैंक यू टू ब्रिटिशर्स, बिकॉज दो दे हैव डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, बट देन ऑल्सो वी कैन से देयर डेवलपमेंट इज नाउ वी आर यूजिंग. उनकी स्ट्रैटेजी को हम और इम्प्रूव करके आगे बढ़े हैं. तो ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कुछ किया अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने आर्मी फोर्स के लिए भले किया, लेकिन उसका फायदा हमारी इकोनॉमी को आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ. सो थ्रू दिस चैप्टर वी विल स्टडी इडियट, राइट. सो हेयर ऑल अबाउट टूडे इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. आई होप आपको ये आज का वीडियो बहुत समझ में आया होगा, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि पूरी इंडियन इकोनॉमी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं. हाउ ब्रिटिशर्स रूल आर इडियट ग्रुप, राइट. तो वन बाय वन हम इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस से ब्रिटिशर्स को अब जानेंगे इंडिया में. अभी तक जो आपने जाना वो फ्रीडम फाइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है. अब हम जानेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ ब्रिटिशर्स रूल्ड आर कंट्री. सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे वीडियोस. आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियो, देन गो टू सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल.